है घर पर नजर चैनल में। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ शनेश कुमार। आज हम आए हैं पुष्य मित्र भार्गव जी के घर पर, उनसे चर्चा करने हैं और साथ में हम उस उनके परिवार को गृह मंत्री जो उनके चलाते हैं जूही भार्गव जी से मिलने हैं। तो आइए चलते हैं, जूही भार्गव जी से मिलते हैं और महापौर जी के जीवन काल में क्या क्या उतार चढ़ाव है और किस प्रकार की नई उनको जो चुनौतियाँ मिल रही है उसको कैसे वो पार पाएंगे। तो आइए मिलते हैं जूही भार्गव जी से। नमस्कार, तो मिलते हैं हम जूही भार्गव जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बताइए, जिस प्रकार से काफ़ी सारे जीवन में कहीं काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं और कुछ भी तो भार्गव जी के साथ एक महापौर का जो ताज मिला है उनको, अभी महापौर का, तो कैसा महसूस करते हैं आप उसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो ये बहुत ही गौरव का विषय है कि ये दायित्व आदरणीय पुष्य मित्र जी भार्गव को मिला और वो बहुत अच्छी तरह से उसे निभा भी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ा दायित्व है कि इंदौर जिस तरीके से उन्नति और प्रगति कर रहा है, उसे किस तरह से तेज गति से ग्रो कर रहा है, उसे सही दिशा और सही विकास मिले, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि पुष्य मित्र जी भार्गव इस चुनौती को का सामना बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, निश्चित रूप से इंदौर का विकास सुचारू रूप से करेंगे। और देखने में आया है कि जब से वो महापौर बने हैं और उनकी काफ़ी जो दिनचर्या है काफ़ी बहुत व्यस्त हो गई है, तो उनकी जो ऊर्जा का क्या राज है ये बताया काफ़ी, क्योंकि देखने में आता है कि सुबह 4 बजे भी आना है, आ रहे हैं घर पर, रात को 2-2 बजे तक आ रहे हैं, फिर सुबह वापस 6:30 बजे वापस निकल भी रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा का क्या राज है ये बताया, क्योंकि काफ़ी सारे जानना चाहते हैं कि इतनी व्यस्तता होने के बाद भी एकदम बिल्कुल बहुत फिट एंड रहते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में। देखिए, ऊर्जा के विषय में तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऊर्जा भोजन और खान पान की तो अभी ये स्थिति है कि वो कोई व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, उनको भोजन मिल जाता है कभी नहीं भी मिल पाता है, समय बेसमय खाना खा रहे हैं। लेकिन ऊर्जा का सीधा सीधा संबंध है उनकी इच्छा शक्ति से, तो उनकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र है, उनका आत्मबल, उनका जो सोचने समझने का तरीका है, इतना साहस, वो सब चीज़ें मिलके उनको ऊर्जा का वो दैवत्वमान बनाती हैं कि वो निरंतर अपने कार्य के प्रति बिल्कुल प्रगतिशील रहते हैं और कार्य को करने के लिए बिल्कुल जज्बे के साथ जुड़ जाते हैं, उनका जज्बा ही उनकी ऊर्जा का स्रोत। और वो अपने आप को और आपके इंदौर शहर को और आपके परिवार को कैसे समय दे पाते हैं, क्योंकि समय की 24 घंटे ही है, और 24 घंटे में कैसे मेंटेन कर पाते हैं सबको। देखिए, उनकी बहुत अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं भी दे पाते हैं, वो ज़्यादा क्या होता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं विश्वास रखते हैं, वो हमेशा क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। तो वो जब घर पे होते हैं तो वो हमसे बात करते ही हैं, साथ में जब भी जहाँ बाहर भी भोजन करेंगे तो वो घर पे मुझसे 30 सेकंड में भले ही बात करेंगे लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि तुमने खाना खाया, आदि ने खाना खाया, हमारे बेटे ने, इतना पूछ लेते हैं। उसमें ही हमें अपनत्व का एहसास हो जाता है कि हाँ, उनको हमारी फिक्र है, हमारी चिंता है। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाते हैं लेकिन उनको चिंता है, वो अपना एहसास हमें बराबर करा देते हैं। क्या आपके पति वही पुराने वाले पति है, जब महापौर बनने के बाद उनमें कुछ बदलाव आया? बदलाव ऐसा है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस उनके अंदर देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनको अब हैंडल करनी पड़ रही है। हालांकि ये स्ट्रेस उनको जब वो AAG थे तभी भी रहता था काम के प्रति, क्योंकि वो हमेशा संलग्न रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्साह के साथ में काम करते हैं। लेकिन ये जो दायित्व है अपने स्तर पे काफ़ी बड़ा है और साथ ही नई नई चुनौतियाँ भी आती जा रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी होता है कि थोड़ी परेशानी मैं देखती हूँ, वरना तो वो बिल्कुल सक्षम है हर चीज़ को करने के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं। उनके जब महापौर बने उसके 3 महीने के पश्चात काफ़ी सारे लोगों ने उंगलियाँ उठाई थी कि ये महापौर तो केवल जगह जगह फीते ही काट रहे हैं और जगह जगह सम्मान ही करा रहे हैं, पर उन लोगों को महापौर जी ने एक अपने जो उन्होंने जो चुनौतियाँ दी थी उसको चुनौतियों का काफ़ी अच्छे स्तर पर उनको जवाब दिया, क्या कहेंगे उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने आपके साथ में चुनाव में साथ दिया या अपने शहरवासी हैं, तो उनके जब वो किसी मान लीजिए प्रकल्प का उद्घाटन कर रहे हैं या किसी संस्था का उद्घाटन कर रहे हैं और अपनी खुशी में शामिल करना चाह रहे हैं, तो ये अपना कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें जब सारे प्रचार प्रसार हुआ था तभी भी उनके घर द्वार पर नहीं जा पाए थे, तो इस तरीके से उन्होंने शुरू में कार्यक्रमों में ज़रूर गए, हर एक निमंत्रण को उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया और गए वहाँ पर ताकि उनसे मिलना जुलना हो सके, उन्हें एक तरह से धन्यवाद दिया जा सके। जिन लोगों ने उंगलियाँ उठाई है, तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना,
लेकिन उसका उसको अपन अगर पॉजिटिव वे में ले तो अब यह है कि इंदौर की जनता इतनी समझदार है, अगर सबसे एक बार मिलना जुलना हो गया तो वो बार बार अपने कार्यक्रमों में ना बुलाकर आदरणीय पुष्य मित्र जी को समय दे कि वो अपने कार्य जो है नगर पालिका निगम के जो कर्तव्य हैं उनको ठीक से निभा पाए। क्या शहर के हित में जो निर्णय लेते हैं महापौर जी, उसके लिए आपसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से घर की जो है, कहते हैं ना घर में कोई भी निर्णय होता है तो जब शहर की बात होती है तो क्या कहेंगे उस निर्णय के बारे में, आपसे चर्चा करते हैं? जी, कोई कठिन समय होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं जानकारी रखती हूँ जिस विषय में, तो उस विषय की चर्चा वो मुझसे ज़रूर करते हैं। जैसे कि अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है तो उसमें वो एक विशेष रूप का पंछा वो प्रवासी भारतीयों को पहनाना जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ अहिल्या माता प्रिंट हुआ हुआ है का फोटो और एक तरफ राजवाड़े का फोटो प्रिंट हुआ हुआ है, तो इस तरीके का वो पंछा बना उन्होंने माहेश्वरी कपड़े पे जो क्लोथ होता है उसको निकाला है, तो इस विषय पर उन्होंने मुझसे चर्चा की थी। और भी कई सारे विषय होते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि मैं रुचि रखती हूँ और मैं कोई सही सकारात्मक उत्तर दे पाऊंगी, तो जरूर चर्चा करती हूँ। क्या उनके आने और जाने और उनकी दिनचर्या पहले के मुकाबले बिल्कुल पूरी व्यस्तता में चली जा रही है, तो क्या उनका समय का कुछ जो रूटीन था वो बदल गया कुछ? जी हाँ, रूटीन तो उनका काफ़ी बदला है, क्योंकि मैं तो उनके भोजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हूँ, तो पहले कम से कम नाश्ता भोजन अपना दोपहर का लंच डिनर समय पर कर लेते थे, लेकिन अब वो भी उनका व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, तो नाश्ता करके तो कम से कम निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस दिन योग रहता है तो उस दिन तो सुबह 6 बजे चले जाते हैं, उनका नाश्ता भी नहीं हो पाता है, तो व्यस्त दिनचर्या में से वो व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई है। व्यस्त हालांकि पहले भी थे, एज ही थे तभी भी, लेकिन कम से कम उनकी कुछ दिनचर्या सेटल थी, अभी दिनचर्या बिल्कुल भी अस्त व्यस्त ही है, सेटल कुछ नहीं है। क्या महापौर बनने के बाद आप अपने पति को कौन से महापौर से कंपेयर करना चाहती है, या फिर आप कौन से ऐसे महापौर जिनको आप चाहती कि हमारा मेरा पति भी इंदौर के महापौर में वो एक अपना स्टेप पाए? मैं समझती हूँ कि हर एक महापौर जो इंदौर में रहे हैं या बाहर भी रहे, अगर हम अदर स्टेट्स में भी देखें तो जो रहे हैं वो हर एक व्यक्ति अपने आप में आदर्श होता है, परिपूर्ण होता है। मैं पुष्य मित्र जी भर्तों का कार्य करने की शैली को बिल्कुल अलग रूप से देखती हूँ, उनकी कार्यशैली, उनकी छवि मुझे लगता है कि अन्य नेताओं से काफ़ी अलग है, उनके कार्य करने का तरीका भी अलग है, तो निश्चित रूप से जो सफल महापौर हुए हैं उनसे वो शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन उनके कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है। और कैसा रहा आपका पहला करवा चौथ महापौर बनने के बाद, और जनरल आप इतने सालों से महापौर के साथ करवा चौथ बना रहे, पर महापौर बनने के बाद आपको क्या बिल्कुल यह समय उन्होंने जितना समय आपको चाहिए था उस समय? देखिए, समय का तो ऐसा है कि समय का अभाव उनके पास हमेशा से ही रहा है, हमारी शादी को 13 साल हुए तो वो हमेशा से ही इतनी जल्दी में जाते आते हैं, कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता है, बर्थडे ही मान लीजिए घर से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 10-15 मिनट आते हैं और बोलते हैं कि चलो मुझे और 5 बजा जाना, जल्दी करो जल्दी करो। तो इस बार मैंने मजाक में कहा कि करवा चौथ की पूजा कर लेते हैं शांति से, आप ये मत कह दीजिएगा कि 5 जगह और जाना तो थोड़ा आधा घंटा तो रुके थे मेरे पास में, उसके बाद में फिर उनको आगे के कार्य थे। अच्छा, अभी जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने काफ़ी सारा एक नया अपना कहते ना एक नई पहल स्टार्ट करी है, क्योंकि लगभग पूरे देश विदेश में इंदौर में और अन्य जगह भी जितने भी चीज परिचित यार दोस्त होते हैं तो अपने लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, और उन्होंने उन होर्डिंग को दरकिनार करते हुए सभी से शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा, और उन होर्डिंग न लगाने को लेकर एक नई पहल की, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं समझती हूँ नई पहल बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का इतना दौर है, आप शुभकामनाएं बधाइयां वैसे भी प्रेषित कर सकते हैं, और अनुशासन में तो हमें रहना ही चाहिए, तो जैसे कि पुष्य मित्र जी भार्गव और सभी लोगों को चाहिए कि अपने जो होर्डिंग्स या जो लोगों की सुविधाओं के लिए जो बोर्ड लगे हैं उस पर उन्हें कवर ना करते हुए अपने बधाई संदेश ना लगाएं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, इससे नई पहल और पुरानी पहल की बात ही कोई नया कदम नहीं है, ये एक अपना कर्तव्य का निर्वाह है जो उन्होंने किया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाइयाँ देती हूँ। क्या जन्मदिन को लेकर आपने कुछ नई योजना बनाई है, क्योंकि इस बार तो महापौर बने हैं आपके पति, तो कुछ हर पत्नी चाहती कि कुछ नया करें, तो कुछ आपने सोच रखा है ऐसा कुछ करने का विचार है आपका? देखिए, वैसे तो हर दिन हम तो चाहते हैं सस्पेंस है, फिर भी हम केवल एक कितना एक पत्नी के मन की धार लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पति पत्नी के बीच में हमको आना तो नहीं चाहिए, पर हम भी चाहते हैं कि कम से कम ये जो जन्मदिन को लेकर क्या आप विशेष में आपने कुछ योजना बना रखी है तो बताया।
जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन ही नया दिन है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एक नया जन्म के रूप में हमारा नया दिन शुरू होता है। लेकिन क्योंकि एक दिन विशेष पे हम अपना जन्मदिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार हमने सोचा है कि रामलला के दर्शन हो जाएँ, अयोध्या प्रभु बुला लें। इस बार ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मन में तो ये आशा है। अब सर के शेड्यूल के हिसाब से देखते हैं जा पाते हैं। अच्छा, बताइए प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, इसको लेकर आपकी खुद की क्या तैयारी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे मेहमान लोग आएंगे, देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, क्या आपने भी कुछ अपनी विशेष तैयारी कर रखी, क्योंकि महापौर जी तो वैसे ही व्यस्त रहेंगे और उनके साथ साथ आपको भी पूरे प्रवासी सम्मेलन में कुछ न कुछ तो काफ़ी सारी आपके पास भी योजना होगी और आपको भी उनके साथ संपर्क रहेंगे, तो क्या आपने योजनाएँ आपकी विशेष कुछ बताया? वैसे मेरी पर्सनल तो ऐसी कोई योजना नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोग्राम है, स्टेट लेवल का प्रोग्राम है, इंदौर शहर के इतने बड़े बड़े लोग आएंगे कि कैसा उनका समय उन्होंने अपना बांट रखा है, उसमें मेरी योजना कहाँ तक क्या सफल होगी मुझे पता नहीं है। बाकी अदर डे भार्गव जी जो भी मुझे आदेश करेंगे उसको मैं पालन करूँ। क्या इंदौर की तरफ से उन्होंने सम्मान को लेकर कोई विशेष कुछ तैयारी कर रखी है, जितने भी प्रवासी आ रहे हैं इंदौर को? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि उन्होंने एक विशेष पंछा तैयार करवाया है महेश्वरी रोड पे, तो उसमें अहिल्या माता और राजवाड़े का चित्र जो है वो रहेगा, तो वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन और उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। और इंदौर में अभी जनरली नया साल आ रहा है और नए साल में नव युवक द्वारा काफ़ी सारा कहते हैं दुष्परिणाम भी निकल रहा है, बियर सिगरेट और जनन तमाम प्रकार का जो नशा है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे इंदौरवासियों? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो हमारा नववर्ष आता है गुड़ी पड़वा, तो हमें वो नववर्ष मनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अंग्रेज़ी कैलेंडर के इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम उसको भी 1 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ठीक है, सेलिब्रेशन का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे सकारात्मक रूप से आप सेलिब्रेट करें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आने वाले समय में मकर संक्रांति आ रही है, उसमें काफ़ी सारे लोग पतंग काफ़ी उड़ाते हैं, उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु की जान खतरे में आ जाती है, क्या कहेंगे उसके बारे में, चाइना मांझा के बारे में विशेष रूप से? देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अग्रे पूरे इंदौर शहर के वासियों को। साथ ही एक संदेश मैं अपने मन का ये देना चाहूँगी कि जिस तरह से पतंग उड़ती है, आसमानों को छूती है, लेकिन उसकी डोर जो है वो अपने हाथ में होती है, जुड़ी रहती है वो, तो आप सभी नव युवक युवतियों से मेरा निवेदन है कि आप चाहे जितना भी उड़ें, लेकिन आपकी डोर, आपकी जड़ें आपके घरों पर होनी चाहिए, अपना जो लगाम है वो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहनों के हाथ में दें और फिर खुलकर एंजॉय करें। और साथ ही चाइना का जो मांझा होता है, जो कि अभी हम पिछले साल भी कई घटनाएं हुई थी, किसी युवती का गला कट गया था, तो इस तरीके की घटनाएं अब यह घटनाएं ना सामने आए, आप तो एंजॉय करें लेकिन केयरफुली भी रहें, और साथ ही चाइना का मांझा नहीं इस्तेमाल करें, ना देशी मांझा इस्तेमाल करें और त्यौहार को खुद एंजॉय करें। थैंक यू। तो आप थे भार्गव, आइए मिलते हैं नए समय के साथ। थैंक यू।